हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9, जो कि नई बुक में 2.4 एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर देश जैसे कि आप देख सकते हैं दो साइड हैं जो हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जो राइट हैंड साइड है वहाँ से हमने सम को सॉल्व करना स्टार्ट किया। राइट हैंड साइड पर हमें दो ब्रैकेट्स दे रखी हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट जो है वो पूरी, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर और दूसरी ब्रैकेट पूरी की पूरी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो एज इट इज़ हमने उसको लिख दिया। उसके बाद हमने लेना है पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर और दूसरी ब्रैकेट पूरी। पहले पहली ब्रैकेट का पहला नंबर था, दूसरी ब्रैकेट पूरी थी, अब पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर है और दूसरी ब्रैकेट अभी भी पूरी लेनी है। जो नंबर बाहर है वो अंदर ब्रैकेट में हर किसी को मल्टीप्लाई करेगा। एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे उसकी पावर बढ़ जाएगी एक नंबर, और जिसके पास नहीं है वहाँ एक्स लिख देंगे। एक्स की पावर 2 है, एक बढ़ा करके टोटल हो गई एक्स की पावर 3। यहाँ पे एक्स की 1 थी, 1 बाहर से इंक्लूड करके हो गया एक्स स्क्वायर। इसके पास एक्स नहीं है तो इसके साथ हमने एक्स लिख दिया, और वाई स्क्वायर तो है ही। इसी तरह से जिसके पास y नहीं है उसके साथ y लिख देंगे, और जिसके पास है उसकी पावर 1 बढ़ा देंगे। तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक एक पावर y की जो है वो बढ़ा दिए। जो एक जैसी चीज़ें हैं जो जमा घटा हो सकती है वो कर देंगे। x की 2 और y की 1 नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे देखिए x की 2 और y की 1 पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये दोनों नंबर आपस में एक दूसरे को ज़ीरो बना रहे हैं। एक्स वाई की स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ, ये दोनों नंबर भी एक दूसरे को ज़ीरो बना रहे हैं। तो अब जो हमारे पास बच गया है वो इसमें क्या रिमेनिंग है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। यही लेफ्ट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी, तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। हमें इसको प्रूव करना था तो हमने इसको इस तरीके से प्रूव कर दिया है। सेकेंड पार्ट करते हैं अब 9th सम का। इसके लिए भी हमें ये रिज़ल्ट जो है प्रूव करना है। फिर से हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमने राइट हैंड साइड ले ली जिसके अंदर दो ब्रैकेट दे रखी हैं, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट है हमारी राइट साइड में। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, दूसरी ब्रैकेट पूरी। तो पहला नंबर है x, और दूसरी ब्रैकेट जब हमने लिखी तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर, दूसरा नंबर निशान के साथ, निशान के साथ ये नंबर बनता है माइनस वाई। पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर और दूसरी ब्रैकेट पूरी, यानी कि फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ब्रैकेट ओपन करनी है। फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो अंदर सभी को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि एक्स की पावर एक एक बढ़ जाएगी। जिसके पास नहीं है एक्स वहाँ लिख देंगे। एक्स की पावर 2 थी, एक बढ़ा करके हो गई एक्स की 3। यहाँ एक्स की 1 थी, एक बढ़ा करके हो गई एक्स स्क्वायर। इसके पास एक्स नहीं था तो लिख दिया है एक्स वाई स्क्वायर। अब पीछे वाई की वैल्यू एक एक बढ़ानी है और सबका साइन नेगेटिव करना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सभी का निशान वो बदल देगा। तो हमने ये कर दिया है माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक एक पावर बढ़ा दी है वाई की। इसके पास वाई नहीं था लिख दिया, इसके पास था एक पावर बढ़ा दी, इसके पास था एक पावर बढ़ा दी। अब इसमें से देखेंगे जो एक जैसे संख्याएं हैं जो अलग निशान के साथ हैं वो आपस में ज़ीरो बनाएंगी। एक्स की 2 और वाई की 1, एक्स की 2 और वाई की 1, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो ये एक दूसरे को ज़ीरो बना देंगे। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, ये आपस में घटेंगे तो ये भी एक दूसरे को ज़ीरो बना देंगे। यहाँ से बच गया है एक्स क्यूब और यहाँ पीछे से रह गया है माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करनी थी। इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट कर दिए हैं। ये रिज़ल्ट हमें मेमोराइज करने हैं, याद करना है इन रिज़ल्ट्स को। जिसके अंदर अब यहाँ से देखिए, यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर तीनों ही साइन प्लस के हैं, एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव। ये जो माइनस था ये ब्रैकेट में शुरू में ही आ गया है, यानी कि ये जो निशान है माइनस का ये हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया है। और जब हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन चल रहा था तब इसके अंदर क्या था,
ये पॉजिटिव सिर्फ ये एक एक्स वाई वाली जो टर्म है, अकेली एक्स वाई, एक बार एक्स और एक बार वाई, सिर्फ वो वाली टर्म नेगेटिव थी और बाकी सारे पॉजिटिव थे। अब जब यहाँ नेगेटिव है तो बाहर वाली टर्म नेगेटिव है और बाकी सारे पॉजिटिव हैं, इन दोनों के बीच की नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। ये रिजल्ट हमें टेंसम में यूज़ करना है, इसलिए इसको लर्न करेंगे। अब हम करते हैं टेंसम का फर्स्ट पार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमें दो पद दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन है और दोनों की घात 3 दे रखी है। यानी कि हमें इन पदों को इस तरीके से लिखना है कि हर कोई 3 घात बनाता हो। अब 27 को हम देखें तो ये 3 की घात 3 है, 3 को 3 बार 3 से गुना करें तो 27 आता है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3y और इसका इकट्ठी घात 3। 125 तब आता है जब 5 को 5 से ही 3 बार गुना करते हैं, 5 की 5 से 25, 25 की 5 से 125, इसलिए हमने इसको लिखा है 5z। अब जो हमने सर्वसमिका इससे पहले की थी, 9th sum में जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था, उस रिजल्ट को ध्यान करते हैं। हमने दो रिजल्ट किए थे, एक था जिसके अंदर दोनों के बीच में प्लस का साइन है और एक था जिसके अंदर दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है। जो प्लस साइन वाला था उसके अंदर क्या था, हमारा रिजल्ट था x³ + y³, और यहाँ पे ये किसके इक्वल चल रहा था, ये था ब्रैकेट के अंदर x + y और फिर x² - xy + y², यानी कि सिर्फ वो टर्म जिसमें एक्स वाई एक एक बार है वो नेगेटिव थी और बाकी सारे पॉजिटिव साइन के साथ थे। अब यहाँ हमने इसको दी हुई वैल्यू से कंपेयर किया, यहाँ पे x का घन है, यहाँ घन है 3y का, यानी कि x जहाँ पे था वहाँ पे 3y चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे y था और यहाँ पे था 5z, इसलिए y की जगह पे हमें 5z चलाना है। तो जो हमारी राइट साइड है हमें राइट साइड के अंदर लेके आना है, x की जगह पे 3y कर देना है और y की जगह पर 5z कर देना है, इस सर्वसमिका के कंपेरिजन के हिसाब से। तो इसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, 3y प्लस में 5z, इन दोनों पदों का जोड़ था, यहाँ ये पद है और ये है, इनका हमने जोड़ कर दिया। अब दूसरी ब्रैकेट, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद हमारे पास चल रहा था 3y, तो इसलिए 3y का हो जाएगा स्क्वायर, फिर पहला पद ऐसे का ऐसे ही और इसकी गुना है दूसरे पद के साथ, फिर जो दूसरी टर्म थी उसका हमें कर देना है वर्ग। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, जो दूसरी टर्म थी फिर हमने उसका भी वर्ग कर दिया। अब ये हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, इस ब्रैकेट को जो हमारे पास पीछे वाली है सिर्फ उसको सॉल्व करना है, हमें आगे वाली में कोई चेंज नहीं है। ये जो ब्रैकेट है 3y प्लस में 5z, ये हमें ऐसे के ऐसे लिखनी है क्योंकि हमें गुणनखंड करने हैं, इसलिए गुणनखंड करने हैं तो हम इसको हटाएंगे नहीं, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद है 3y का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वो अपने आप से गुना, 3y की 3y से गुना करेंगे तो 3 की 3 से की 9, y की y से की y². अब ये नंबर गुना हो रहे हैं, 5 की 3 से की 15, yz तो है ही। जब ये स्क्वायर की बात हो रही है तो 5 की 5 से की 25 और जेड की जेड से की तो z². तो इस तरह से ये टर्म हमारे पास आ गई जो इसका आंसर देती है। अब इसी तरह से नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट के अंदर भी दो टर्म्स हैं, दोनों का ही क्यूब है। पहले हमने देखा 64 किसका क्यूब है, 4 को 4 से ही 3 बार गुना करें तो 64 आता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ से हमने 4m को ले लिया, इकट्ठा घन लगा दिया इसका। फिर हमें देखना है 343 जो है वो किसका घन है, 7 की 7 से की 49, 49 की 7 से की तो 343, यानी कि 7n का घन है। अब हमारा जो रिज़ल्ट था हम उस रिज़ल्ट को देखें जो हमने 9th sum में प्रूव किया था। उसके अंदर क्या था कि अगर दो टर्म्स का घन हो और बीच में माइनस का साइन हो तो पहली ब्रैकेट में माइनस का साइन आएगा, पीछे कोई भी टर्म माइनस की नहीं होगी, एक बार स्क्वायर दोनों का अलग अलग और एक बार उनके आपस में गुना, ये हमारे पास रिजल्ट था। अब जब यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है x की जगह पे क्या चल रहा है, इधर x है और यहाँ पे हमारा है 4m, तो इसलिए x की जगह पे 4m चल रहा है, इधर y है, इधर है 7n, तो y की जगह पर 7n चल रहा है। इस सरसमिका से हमने रिजल्ट इधर वाला यूज़ करना है, यानी कि जहाँ x है वहाँ 4m रखना है, जहाँ y है वहाँ 7n रखना है, तो हमने ये लिखा 4m, आपस में घटा के लिखना था दोनों को 7n, फिर जो पहला पद है उसका स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर, इन दोनों की गुना यानी कि 4m और 7n इन दोनों की गुना, फिर प्लस में है पीछे वाले पद का स्क्वायर यानी कि 7n जो है इसका स्क्वायर, ये हमें लिखना है।
जो पहली ब्रैकेट है उसमें तो कुछ है नहीं, कोई स्क्वायर कोई घन कुछ नहीं है, तो उसको तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया। जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें स्क्वायर कर दिया, 4m की 4m से गुना की तो आ गया 16m स्क्वायर, 7 की 4 से की 28, 7 की 7 से की 49, और n का वर्ग तो हमें करना ही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाता है।